हेलो दोस्तों, विलेज पार्टीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, सिया और राम का वरमाला हो चुका है। चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। और यहाँ बाराती बैठे हुए हैं और यहाँ पर सिया की विदाई की तैयारियाँ हो चुकी है। अरे अरे, चलो सारा खाना तो तैयार है, और क्या बनाना बाकी है? हाँ, जलेबी, गुलाब जामुन, पूड़ी सब तो हो चुका है। हाँ, सारी तैयारी तो बस हो ही गई है। मैं हूँ चंकी पांडे, शेफ, बनाता हूँ सबसे टेस्टी खाना। देखना मेरे हाथों का खाना खाकर तो सब चौंक जाएंगे। मैं हूँ चंकी पांडे शेफ। अरे देखो दोस्तों, शेफ ने कितना टेस्टी टेस्टी खाना बनाया है। गुलाब जामुन, वाह मुझे खाना है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे हाँ सोनम, तुम सही कह रही हो, कितना यम्मी खाना है। वैसे भी आज तो मैं बराती हूँ, आज तो मैं जमकर खाऊंगा, एकदम पेट भर कर। अरे जरा देखो तो, मेरी फेवरेट सब्जी, दाल, रोटी, चावल। अरे हाँ देखो तो, पूरी ही। चलो मैं शेफ को बोल दूँ कि मेरा प्लेट बना के दे दे, मुझे खाना दे दीजिए शेफ, मुझे भूख लगी है। खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अरे नहीं बेटा, अभी सारा खाना तैयार नहीं हुआ है, और वैसे भी तुम्हारे पापा ने बोला है कि फेरे हो जाने के बाद ही सबको खाना मिलना चाहिए। अरे लेकिन मुझे जोरों की भूख लगी थी। अरे भाई, मैं जलेबियों के लिए इंतजार नहीं कर सकता, चलो खाता हूँ। अरे चिंकी देखो ना, शेफ तो हमें खाना दे ही नहीं रहा है, अब हम क्या करें? बोला फेरों के बाद ही मिलेगा। अरे हाँ सोनम, कोई बात नहीं, चलो हम पहले फेरे देख लेते हैं, ठीक है ना? फिर उसके बाद खाना खाएंगे मजे से। ठीक है चिंकी, तुम सही कह रही हो, चलो चलो पहले मासी के फेरे देखते हैं। अरे हाँ चलो चलो, चलते हैं, ये चलो। अरे वाह, क्या टेस्टी जलेबी है, हो खाकर तो मजा ही आ गया, चलो जाता हूँ यहाँ से। अरे अरे, ये बच्चे भी ना, ये बच्चे कितने शैतान हैं, एक नंबर के जलेबी चो रहे हैं। देखो तो कैसे उठाकर लेकर चला गया, चलो कोई बात नहीं। अरे सोनम की मम्मी, देखो जरा डोली तैयार है, देखो कुछ कमी तो नहीं है। उसके विदाई में कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। अरे हाँ सोनम की पापा, अरे वाह आपने तो बहुत ही अच्छा सजाया है डोली को, बहुत ही अच्छा है। और हाँ सोनम के पापा, आप जाकर देख लीजिए खाने की तैयारी हो गई है सारी की नहीं। अभी फेरों के बाद खाना भी तो खिलाना है सभी बारातियों को, ठीक है ना? आप जाकर देख लीजिए अच्छे से। और हाँ, मैंने फेरों के लिए भी सारा सामान तो देख लिया है, सब तैयार है, तो फेरे की रस्म शुरू करवानी चाहिए, क्यों? अरे हाँ हाँ सोनम की मम्मी, तुम सही कह रही हो। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। चलो मैं भी जाकर देखता हूँ खाने की सारी तैयारी हुई कि नहीं अभी, चलो जाता हूँ। अरे वाह, तुम दोनों कितने अच्छे दिख रहे हो साथ में। वैसे फेरों की तैयारियाँ हो चुकी है, तुम दोनों को फेरे लेने हैं। चलो मैं जाती हूँ, देखती हूँ सारी तैयारियाँ हुई कि नहीं अभी। अरे राम, तुमने सुना हमारे साथ फेरे होने वाले हैं, मैं बहुत ही खुश हूँ। अरे हाँ सिया, और मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अरे मुझे तो बहुत ही जोरों की भूख लगी है, पता नहीं ये फेरे कब होंगे, शादी इतने लेट क्यों होते हैं मुझे समझ में नहीं आता। अरे भाई चंदा, जल्दी से फेरे करवाओ भाई, हमें भूख लगी है, आखिर हम बाराती हैं। अरे ये क्या बोल रही हो नेहा, तुम भी ना। रुक जाओ भाई थोड़ी देर, अभी फेरे हो तो जाने दो, तुम भी ना बहुत ही मजाक करती हो। अरे नेहा और तारा भी ना, चलो जाकर थाल ले आती हूँ, मैंने सजा कर तो रख दिए थे। हाँ वो रहा, चलो थाल तो एकदम सजी है, मंगलसूत्र, सिंदूर और फूल और सब है। हाँ चलो लेकर जाती हूँ। चलो अच्छा है कि सारे रस्में टाइम पर ही हो रही है, चलो जाती हूँ जल्दी से। और यहाँ चंदा सजी थाल को लेकर आने लगती है। चलो चलो, इसे यहाँ पर रख देती हूँ। अरे बच्चे कहाँ पर है, चलो उन्हें बुलाओ भाई, उनके फेरे होने वाली है। अरे सोनम के पापा चलिए, हवन कुंड को जला दीजिए भाई, जल्दी करिए वरना रस्म के लिए देरी हो जाएगी, चलिए जल्दी करिए। चलो राधा तुम भी आ जाओ। और यहाँ हवन कुंड जल चुकी है, चलो चलो आखिरकार अब फेरे होंगे। हाँ, देखो तो अग्नि तो जल चुकी है, अब फेरे अरे होंगे। हाँ, चलो फाइनली खाना भी खाने को मिलेगा। ये लीजिए, आप सब अपने हाथों में फूल ले लीजिए। हाँ आप भी लीजिए। और यहाँ पर राम और सिया अग्नि के साथ फेरे ले रहे होते हैं। अरे वाह बच्चों, सातों फेरे संपन्न हो गए हैं। अब राम सिया को मंगलसूत्र और उसके मांग में सिंदूर भरेगा, फिर तुम दोनों सातों जन्म के लिए पति पत्नी बन जाओगे।
चलो चलो अब तुम दोनों बिना देरी के जाकर स्टेज पर बैठ जाओ और मंगलसूत्र और सिंदूर का रस्म शुरू करो। चलो राम अब बिना देरी किए सिया को मंगलसूत्र पहनाओ। अरे हाँ हाँ दीदी मैं अभी पहनाता हूँ, ये लो सिया। और यहाँ पर राम सिया को मंगलसूत्र पहना देता है। अरे वाह ये मंगलसूत्र तो तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्यारा दिख रहा है। सच में राम तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। चलो चलो राम अब सिंदूर भी भर दो। अरे हाँ हाँ दीदी अभी भरता हूँ। और यहाँ पर सिया और राम की शादी हो चुकी है और सभी लोग यहाँ पर तालियां बजाने लगते हैं और सिया और राम के ऊपर फूल फेंकने लगते हैं। अरे वाह बधाई बधाई हो, ढेर सारी बधाई। चलो आखिरकार शादी संपन्न हो गई, सिया और राम की शादी हो गई। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ आज, मैंने बरसों पहले जो सोचा था वो आज सच हो गया। तुम दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, अब तुम अपनी नई जिंदगी जी सकते हो। दीदी मैं वादा करती हूँ कि आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। अरे हाँ सिया मुझे पता है। अरे वाह कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, मासी और राम की शादी हो गई है, मैं बहुत ही खुश हूँ। ये कांग्रेचुलेशंस। चलो आखिरकार शादी एकदम अच्छे से हो गई। अरे शेफ कहाँ पर हो, चलो चलो जल्दी से टेबल लगाओ भाई, अब चलो खाना खिलाना है बारातियों को, सब भूखे हैं भाई। चलो चलो जाकर मैं टेबल कुर्सी लगा देता हूँ। और यहाँ पर सभी टेबल कुर्सी पर खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। चलो चलो भाई अब खाना खाएंगे। अरे हाँ खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अरे हाँ बहुत ही जोरों की भूख लगी थी। अली वाह मैं तो ढेर सारे रसगुल्ला खाऊंगी। अरे हाँ और मैं भी, मेरे पेट में तो जोरों की गुड़गुड़ हो रही थी। अच्छा ठीक है मैं सभी को खाना देता हूँ, चलो चलो तैयार करता हूँ प्लेटर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।